हिसार के पीएलए में अभी एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों गंभीर रूप से घायल हुए, एक तो जो है बहुत ज्यादा गंभीर है और हालत बहुत ज्यादा खराब है, और अन्य 3 युवकों की हालत जो है, 3 से 4 लोग उनकी भी हालत काफी खराब है, वो भी अस्पताल में एडमिट किए गए हैं। ये 4 बाइक, 3 बाइकें जो है वो इस समय यहाँ पर पड़ी हुई है। बाइक का नंबर देख लीजिए, 5788-0808, ये डिस्कवर बाइक है, एक इसका एक्सीडेंट हुआ है और अन्य 2 बाइक और भी है, उनका भी जो है भीषण एक्सीडेंट हुआ है। और साथ में बताया जा रहा है कि ये बाइक कहा जा रहा है कि ये बाइक सामने से आई थी और वो दोनों बाइक के साइड से आ रही थी, उसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। ये बाइक देख लीजिए आप, इस बाइक का नंबर देख लीजिए, और ये कहा जा रहा है कि ये अभी एडमिट है या किस तरीके से है हालत। 100 के पास स्पीड थी, आज की स्पीड बहुत भयंकर थी, बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे थे। कितने लोग थे इसमें? एक दो युवक इसमें सवार बताए जा रहे हैं। और किस साइड से आए थे ये? उस साइड से आए थे, इस साइड से आए थे, पीछे से आए थे, कैमरे रोड की तरफ से, तेज स्पीड से थे ये बाइक। इससे तीनों बाइक इसी से टकराई है, इसी से टकराई है। और 2 बाइक उधर से आ रहे थे, एक बाइक उस साइड से निकली, एक साइड रॉन्ग साइड, 3 बाइक थी, तीनों आपस में टकराई। ये सारी इसी की गलती, सारी इसी की गलती, बहुत तेज गति से थी। देख लीजिए हालत, अभी हालत कैसी उनकी? एक सीरियस है और बाकी 2-3 तीनों को भी चोट ज्यादा लगी हुई, तीनों को और ज्यादा चोट। कौन सा सीरियस है, जिसके कौन सी बाइक वाला सीरियस है? वो भैया आगे से बाइक ना शीश वाला, वो थोड़ी लगी इस बाइक वाले को, इसको थोड़ी लगी आगे जो है उनको सीरियस है। दूर बुजुर्ग है, उसको तो टक्कर लगते ही दूर जाके पड़े, दूर पड़े। बुजुर्ग है, उसको ज्यादा लगी, बुजुर्ग है, उसको ज्यादा लगी है। हालत उसकी खराब बताई जा रही है। पीएलए से सतपाल ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। बताए सर, कैसे कितनी देर पहले ये घटना घटी है, हुआ क्या था? ये सर 15 मिनट पहले की घटना है, 15 मिनट पहले ही घटना है। ये बाइक जो सामने आप देख रहे हैं, इस बाइक पर 2 बंदे थे, इन्होंने बहुत इतनी भयंकर स्पीड थी इसकी कि बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं अभी सोनी नर्सिंग होम से मेरे बाइक के साथ से गुजरे, तो उसी टाइम इनकी स्पीड देखते हुए यही लगा। हाँ। मेरे मन में यह आया कि या तो किसी को मारेंगे या खुद मरेंगे। विद इन 2 मिनट के अंदर तो इतनी भयंकर आवाज के साथ में 3 बाइकों का एक्सीडेंट हुआ कि देखने लायक क्या था कि उसको देख नहीं सकते आम आदमी, इतना भयंकर एक्सीडेंट था। तो दूर जाकर पड़े जो टक्कर? हाँ बिल्कुल, 4-5 जने थे, 5 तो बहुत दूर दूर जाकर पड़े हैं और अत्यंत बहुत ज्यादा भयंकर जख्मी हुए हैं। वो भगवान से अपील है कि उनके उनको सुख शांति दे, ठीक जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नहीं हालात को देखते हुए तो बहुत ज्यादा भयंकर मुश्किल लग रहा है। ये बताएं, एक जो युवक है उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, वो कहाँ से, उसका कुछ पता? हाँ वो यहीं से अपने फाटक पार विवेक कॉलोनी से, वहां से कोई वाल्मीकि से था वो। अच्छा। उनके मिसिज भी टाइम पे पहुंच चुकी थी, आपकी भी गई थी, तो वो मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि भगवान से प्रार्थना है कि उसकी जान बख्श दे। हालात ऐसे थे उसके, हालत ज्यादा गंभीर है और सीरियस बताया जा रहा है। कौन से अस्पताल में उसे दाखिल किया? उनको सप्रा हॉस्पिटल में लेके गई है। ठीक है, और बाकी जो अन्य 3-4 युवक, वो 3-4 उनके पेरेंट्स आगे थे, वो अपने अपने निजी हॉस्पिटल में उनको लेकर के गए हैं। तो सारी गलती इस बाइक वाले की? ये बाइक वाले थे, इन्होंने भयंकर ऐसा किया हुआ था, ये ऐसे लट्टू हो रहे थे आपस में, तो इसलिए मैं खुद आंखें देखी, मेरे पास से गुजरे हैं ये लोग। देख लीजिए, एक बड़ी लापरवाही के कारण एक बड़ा एक्सीडेंट, एक बड़ी दुर्घटना इस समय सामने आ रही है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बताया जा रहा है कि एक गंभीर रूप से घायल और 3 में 4 युवक जो है अन्य वो भी घायल हो चुके हैं। एक की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, और ये देख लीजिए एक तीसरी बाइक ये सामने आ रही है, देख लीजिए 4-20-AU-49-82। जी हाँ, बाइक नंबर देख लीजिए, और ये SF डीलक्स बाइक है ये, और बहुत ज्यादा इससे ये भी भयंकर टक्कर हुई है। देख लीजिए साइड से इसके टक्कर हुई है, 4-20-AU-49-82। जी हाँ, इसे ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये प्रशासन तक, इनके घर वालों तक बात पहुंच सके। ये देखिए किस तरीके से सामने पीछे से टक्कर हुई है लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये देखिए किस तरीके से पूरा हिस्सा मुड़ चुका है। इससे यही लग रहा है कि भाई पीछे से बहुत ही भयंकर टक्कर हुई है, और एक्सीडेंट में 3 से 4 युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, बचना बहुत ही मुश्किल बताया जा रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उसे कहीं ना कहीं उसकी जान बची जाए। और पुलिस भी मौके पर आ चुकी है, पूरी सूचना मिलते पुलिस यहां पर पहुंची, एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि कैमरी रोड की तरफ से एक युवक आ रहा था, और उसी ने तेज रफ्तार बाइक ने 2 बाइकों को टक्कर मारी, जिससे एक बाइक वहां से आ रही थी पीएलए साइड से, उसको टक्कर लगी, और एक यहां से जो गुजर रही थी इसको भी टक्कर लगी, और पीछे से टक्कर मारी, एक सामने से टक्कर मारी है, और अब जो है इनकी हालत जो है काफी खराब बताई जा रही है। मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंच चुके हैं जैसे सूचना मिली, और अभी भी एक बड़ी घटना इस समय सामने आ रही है। पुलिस यहां पर जांच कर रही है पूरे मामले की। तो अभी पुलिस जो है पूरे मामले की जानकारी ले रही है। निर्मला जी हमारे साथ मौजूद, मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है शुरुआत में, किस तरीके से घटना घटी?
शुरुआती जांच में अभी हम जांच कर रहे हैं। शुरुआती बातचीत में क्या कुछ पता लगा? शुरुआत अभी हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे। तो अभी क्या, तीन बाइकों की टक्कर हुई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि एक की हालत गंभीर है, तीन युवकों को भी वहाँ अस्पताल में एडमिट किया गया है। जी, तो आप लोगों को कब सूचना मिली, कितनी देर में आप लोग पहुंच गए? उसी टाइम पहुंच गए थे, हम राउंड पे ही थे सेक्टर 15 में, जैसे ही सूचना मिली हम तुरंत यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो 112 की टीम में आप लोग थे अलग? नहीं, हम SHO का अलग से, SHO मोबाइल, SHO सिविल लाइन। जी, आप लोग 112 की टीम में, आप लोगों को क्या सूचना मिली और कितने? हमारे पास इवेंट आया जी, बोल रहे जी अपने PLM मार्केट के कम्युनिटी सेंटर के सामने बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। हम मौके पे आए, तीन बाइक थे और तीन बंदे इंजर्ड थे, उनको अपना सपरा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जो एक बंदे की हालत थोड़ी ज्यादा हुआ है, ज्यादा गंभीर है। हाँ, उसको सिर में चोट लगी हुई है, सिर में चोट लगी। हाँ। तो हेलमेट इन्होंने नहीं डाल रखा था किसी? शायद नहीं है, मौके पर तब तक नहीं था, तब तक नहीं, ज्यादा भीड़ थी, इसलिए यहाँ पे जो घायल थे उनको लेके सपरा हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया। कितनी देर में आप लोग पहुँच गए थे? हम तो कुल एक ही मिनट में आ गए थे, नजदीक ही थे, बिल्कुल नजदीक थे हम तो, जमा तुरंत आए यहाँ। तो आप लोगों ने एडमिट करवाया उन्हें? बिल्कुल जी, कुछ एक पब्लिक को करवाया और बाकी हमने करवाया। तो बंदों को गाड़ी मिली, 112 की टीम जो है फटाफट पहुंच गई, नजदीकी थी, एक मिनट में यहां पर पहुंच गई और उन्हें जो हालत जिनकी खराब उनको जो है अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये बताएं, कुछ पता लगा कि कौन थे कौन नहीं? अभी तक नहीं पता लगा, अभी कुछ पता नहीं लगा, आई हुई है तो वे क्लियर करेंगे। SHO सिविल लाइन जी, जी सिविल लाइन, तीनों इंजर्ड को सपरा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो देख लीजिए, हालत काफी खराब बताई जा रही है और अस्पताल में भी पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है, बताया जा रहा है एक युवक की गंभीर चोट लगने के कारण हालत नाजुक है, वहीं पर अन्य तीन चार गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उन्हें ले जाया गया है। एक इस बाइक के साथ जो है टक्कर हुई है, बताया जा रहा है कि इसी की मुख्य रूप से गलती बताई जा रही है राहगीरी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार बहुत तेज थी और जैसे साइड से बाइक निकल रही थी कि उसी दौरान इसने टक्कर मारी और जो अन्य दो बाइकों पर सवार युवक थे उनको भी गंभीर रूप से चोटें आई। हेलमेट शायद किसी ने भी नहीं डाल रखा था ये लग रहा है, क्योंकि हेलमेट यहां पर नजर भी नहीं आ रहा, अगर हेलमेट डाला होता तो शायद किसी की जान बची जा सकती थी और हालत इतनी खराब नहीं होती। देख लीजिए, पुलिस मौके पर पहुंची, ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, भीषण एक्सीडेंट PLA में हुआ है और दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।